नमस्कार मित्रों, मैं अशोक जोशी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो हकीकत में प्रतिभावान है, प्रेरक है और अनुकरणीय भी है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है इनके पास। आइए देखते हैं, मिलते हैं, समझते हैं इनको। और हाँ, एक बात अवश्य आपसे कहते हैं, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है या ना पसंद आता है तो भी हमें दिए गए फोन नंबर पर अवश्य सूचित करें। मेरा नाम सौरभ देसाई। इस एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी का मैंने नाम दिया हुआ है विजुअल पोएट्रीज। ऐसे फोटोग्राफ्स जो ना आप देख पाए बट कि आप उसको पढ़ पाए, इस तरह के फोटोग्राफ्स मैंने रखने की कोशिश की। मेरा मुख्य उद्देश्य जो है इस प्रदर्शन के पीछे वो है कि आजकल वाइल्ड लाइफ और नेचर के बहुत सारे फोटोग्राफ्स और बहुत सारे फोटोज लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के तरीके से कई सारे फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। बट मेरा उद्देश्य ये था कि फोटोग्राफी जो है वो पेंटिंग और कविताओं के भी बहुत नज़दीक हो सकती है। तो मैंने अपने चित्रों में ये दर्शाने की कोशिश की कि फोटोग्राफ्स को आप ना ही देखें बट आप उसको पढ़ें, उसके पीछे छुपी हुई कविताओं और पेंटिंग्स के बारे में आप समझें, इस तरह का मेरा उद्देश्य है। और लोग ना डॉक्यूमेंटेशन के आगे वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफी में छुपी हुई आर्ट को पहचानें, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। मेरा जो फोटोग्राफी करने का स्टाइल है जिसमें मैं अलग अलग फोटोग्राफ्स को प्रेजेंट करने की ट्राई करता हूँ, उसमें मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि व्यूअर्स मेरे जो दर्शक हैं वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो कर पाएँ। मतलब ज़्यादातर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव फोटोग्राफी की जाती है वाइल्ड लाइफ में जिसमें आर्ट का फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग दिखाई देता है। तो मेरा मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे भागने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं जस्ट अलग अलग फॉरेस्ट और अलग अलग जगहों पे जाता हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि मैं वहाँ पे जाके आर्ट पीस को क्रिएट करने की कोशिश करूँ, ना कि डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँ चीज़ों को। तो मुझे जो भी चीज़ दिखती है वो चाहे फिर टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो या वहाँ पे छोटा सा फ्लावर हो, पेड़ हो, पौधा हो, जो भी वाइल्ड की चीज़ें हैं, जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों है, वो सारे मेरे सब्जेक्ट हैं। मैं किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करने की ट्राई नहीं करता हूँ। जो भी नए फोटोग्राफर्स हैं, जो आगंतुक फोटोग्राफर्स, आज बहुत सारे लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आना चाहते हैं, उन सबसे मेरा एक मात्र निवेदन जो है वो ये है कि वाइल्ड लाइफ जितनी हमें व्यू फाइंडर से दिखती है कैमरे की, उसके परे है, उसके आगे बहुत कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं। सो सबसे पहले फोटोग्राफ करने से पहले मतलब आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना सीखें, आप उस दृश्य को पहले अपनी आँखों से एंजॉय करें, फिर उसको व्यू फाइंडर से एंजॉय करें। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आदमी जो है, ह्यूमन जो है, वो वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा एक्सेप्टेबल एलिमेंट नहीं है। तो आप वाइल्ड लाइफ और नेचर की चीज़ों को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ, उसे कम से कम डिस्टर्ब करें, उसे स्वच्छ रखें, उसे क्लीन रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हम सिर्फ किसी चीज़ से मज़े ले रहे हैं बट उसे बचाने के लिए अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो बहुत बहुत गलत बात है। तो आप फोटोग्राफी कीजिए, आप उस जगह को, उस सीन को एंजॉय कीजिए, लेकिन उसे बचाने के लिए या उसके संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए भी आप कुछ कदम उठाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।